आवाज बंद कर पा। हाँ तो भाई ओजोन की संरचना, ठीक है पेपर में आ जाए ओजोन का नदी संरचना है, तो आपको ये दोनों संरचना बनानी है, ठीक है ना। ये ओजोन का नदी संरचना है, इस तरह की बनेगी। और अब हम आगे बात करें तो ओजोन के उपयोग, मैं ये कह रहा हूँ ओजोन रोगाणुनाशी होती है, मतलब सूक्ष्म जीवों को क्या करती है, नष्ट। और ओजोन का उपयोग विरंजक के रूप में भी किया जा सकता है, विरंजक मतलब रंग उड़ाने वाले, आपको पता ही है। हाँ ओजोन विरंजक है, सुन लो बार बात ढंग से। देखो आपको पता ही है ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक है, और ऑक्सीकारक जो होते हैं जो दूसरे का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने कहा था जब किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो उसका सामान्यतः रंग उड़ जाता है, सही है। और ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक है, यह रंगीन पदार्थों को कैसा कर देता है, रंगीन। तो कई खाद्य तेलों को रंगहीन करने में, खाद्य तेल है उसका कलर है, अगर उसमें से हम ओजोन गैस प्रवाहित कर दें तो उसका रंग उड़ जाएगा, क्योंकि उसमें जो रंगीन पदार्थ के कण हैं वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीकृत, और ऑक्सीकृत होकर के रंगहीन हो जाएंगे। खाद्य पदार्थों का है, खाद्य तेलों का आदि का व्यंजन करने में ये काम आती है, क्योंकि ये एक व्यंजक है, रंग उड़ाने वाले का कार्य करती है, ये रंग उड़ाती है, ठीक है। तो ये उपयोग है, कोई खास है नहीं, तो लिखो अब इसमें। बुक है कोई इसके पास, लिखो लिखो यहाँ में कहाँ तक लिखा है आपने, क्लोरो फ्लोरो कार्बन वाला टॉपिक चल रहा है ना, लिखो क्लोरो फ्लोरो कार्बन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, आगे बढ़ाओ वहीं से, क्लोरो फ्लोरो कार्बन मुक्त मूलक, मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा, मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा ओजोन का क्षरण करता है, मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा ओजोन का क्षरण करता है, ठीक है। अच्छा अगले हेडिंग डालो, ओजोन की संरचना, ओजोन की संरचना, ब्लैक बोर्ड पर ओजोन संरचना बन रही है का बना है, मत पहले सुन ले हमें। यहां में जो बंद लंबाइयां हैं दिख रही हैं हमें, दो बंदे का, अरे हम तीन ऑक्सीजन है इनके बीच में बंद है का, ये सभी बंद लंबाइयां समान होती हैं, 128 पिकोमीटर, मतलब आप कोई से भी बंद की लंबाई देखो इस ओ और ओ के बीच में, चाहे इस ओर, बंद की लंबाई तो बराबर आएगी, क्योंकि अनुनाद चल रहा है ना इसमें, तो आंशिक द्विबंध है इसमें, सही है। जैसे आप पहली में देखें तो दो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, दूसरी में कहाँ रह गया है, सिंगल बॉन्ड, तो अपन देख सकते हैं इसमें आपस में ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में आंशिक द्विबंध है, ना तो अपन कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड है ना ही डबल बॉन्ड, तो बंद लंबाई बराबर आती है 128 पिकोमीटर, और इसमें बंद कोण 117 पिकोमीटर, 120 के आसपास आना ही है, संकरण क्या है इसमें, sp2, तो इसमें बंद कोण कितने डिग्री का है, 117 डिग्री का, लिख लो इन दोनों बातों ने। लगा ओजोन अणु में सभी बंद लंबाइयां समान, ओजोन अणु में सभी बंद लंबाइयां समान, सभी बंद लंबाइयां समान, सभी बंद लंबाइयां समान, कोष्टक में लिख लो 128 पिकोमीटर तथा बंद कोण 117 डिग्री होता है, बंद कोण 117 डिग्री होता है। आगे लिखो ओजोन निम्न दो अनुनादी संरचनाओं में मिलता है,
ओजोन निम्न दो अनुनादी संरचनाओं में मिलता है। ओजोन निम्न दो अनुनादी संरचनाओं में मिलता है। इन दोनों अनुनादी संरचना ने बना लो। अगले लेने डालो। अगले हेडिंग ओजोन के उपयोग। ओजोन के उपयोग। लेको इसमें ओजोन एक कीटाणुनाशी है। ओजोन एक कीटाणुनाशी है। कीटाणुनाशी है तथा जल को रोगाणु रहित करने में उपयोग में ली जाती है। जल को रोगाणु रहित करने में उपयोग में ली जाती है। ठीक है, आगे लिखो। ओजोन विरंजक का कार्य करती है। विरंजक का कार्य करती है। अतः इसका उपयोग खाद्य तेलों हाथी दांत खाद्य तेलों हाथी दांत आदि को विरंजित करने में किया जाता है। खाद्य तेलों हाथी दांत आदि को विरंजित करने में किया जाता है। ठीक है, अब आगे सुनो। इसमें अगला टॉपिक है सल्फर के अपर रूप, ही हटा दिए ना, देख लेना कोई टॉपिक रह जाए कहीं। सल्फर के अपर रूप के बाद सल्फर डाइऑक्साइड हटाया होगा। सल्फर डाइऑक्साइड के बाद सल्फर के ऑक्सो अम्ल हटा दिए और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो अगले एडेंड डालो। वर्ग 17 के तत्व। हाँ, कल हो जाएगा। वर्ग 17 के तत्व सुन ले रे, अब आवाज़ बंद कर। वर्ग 17 में हेलोजन है का? वर्ग 17 में तत्व है फ्लोरीन, F फ्लोरीन क्रोम। एक बिल्कुल आवाज़ बंद कर पहले। वर्ग 17 में तत्व है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन AT। ठीक है, तो वर्ग 17 में फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटीन है। अच्छा, वर्ग 17 के तत्वों को हम क्या बोलते हैं? हेलोजन। और हेलो शब्द का अर्थ क्या होता है? लवण। और जन का मतलब बनाने वाला।
तो इन्हें हैलोजन कहते हैं, जिसका अर्थ होता है लवण बनाने वाला। आपको पता ही होगा अधिकांश लवणों में यही होते हैं, NaCl, KCl, AgCl, KBr, तो अधिकांश लवणों में क्या उपस्थित होते हैं, हैलोजन। तो इसलिए इन्हें बोलते हैं हम अधिकांश लवणों में, ये 17वें वर्ग के तत्व भी तो हैं, तो ये लवण बनाते हैं, इसलिए इन्हें अपन क्या बोलते हैं, हैलोजन। अच्छा, इसमें एक बात और लिख रही है, ये अत्यंत क्रियाशील अधातु हैं, मतलब इस वर्ग में सभी कौन हैं, अधातु। जब अब तक अपने वर्ग 16 पढ़ा उसमें धातु अधातु उपधातु तीनों थी, वर्ग 15 में भी धातु अधातु उपधातु सभी थी, पर इस वर्ग 17 में सभी कौन हैं, अधातु, और जो अत्यधिक क्या हैं, क्रियाशील। अच्छा, ये कह रहा है अंतिम सदस्य एस्टेटिन रेडियोधर्मी तत्व है, क्लियर। इसमें अंतिम सदस्य जो कौन सा है, एस्टेटिन। अच्छा, वर्ग 16 में पोलोनियम रेडियोधर्मी था और इसमें कौन है, एस्टेटिन रेडियोधर्मी तत्व है। तो ये सरल सरल सी बात है, लिख लो इन्हें फटाफट। देखो आवर्त सारणी के वर्ग 17 में, आवर्त सारणी के वर्ग 17 में, आवर्त सारणी के वर्ग 17 में फ्लोरीन, वर्ग 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमीन, आयोडीन एवं एस्टेटिन, एवं एस्टेटिन, एस्टेटिन उपस्थित हैं, ठीक है। आगे लिखो, वर्ग 17 के तत्वों को, वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन कहते हैं, वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन कहते हैं, हैलोजन कहते हैं, जिसका अर्थ है लवण बनाने वाले, लवण बनाने वाले, पूर्ण विराम लगा देना। आगे लिखो, वर्ग 17 के तत्व, वर्ग 17 के तत्व अत्यंत क्रियाशील, अत्यंत क्रियाशील अधातु हैं, अत्यंत क्रियाशील, अत्यंत क्रियाशील अधातु हैं। आगे लिखो, अंतिम सदस्य एस्टेटिन, अंतिम सदस्य एस्टेटिन रेडियोधर्मी तत्व है, रेडियोधर्मी तत्व है, अंतिम सदस्य एस्टेटिन कैसा तत्व है, रेडियोधर्मी। अब आगे देख, हाँ भाई, अरे बंद करो आवाज। अब बात करते हैं इनकी प्रकृति, देख सामने, हाँ भाई, वर्ग 17 के तत्वों की बात कर रहे हैं, सामने देख, वर्ग 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, सही है, एक ही बोलता नहीं दिखना चाहिए, और सामने ध्यान दे ले बस। वर्ग 17 में ये पांच तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ये सभी हैलोजन हैं, लवण बनाने वाले। इनमें ये सब अत्यंत क्रियाशील अधातु हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं और अधातु हैं ये।
एस्टेटिन जो है ये रेडियोधर्मी तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व है, क्लियर। अब इनकी प्रकृति में उपलब्धता की बात करते हैं। देखो जब ये अत्यंत क्रियाशील हैं तो ये बात तो क्लियर है कि ये मुक्त अवस्था में तो मिलेंगे नहीं, ये क्या बना करके मिलेंगे, यौगिक, सही है। मुक्त अवस्था में तो मिलेंगे नहीं, जैसे फ्लोरीन अपने यौगिकों के रूप में मिलेगा CaF2 वगैरह। मुक्त अवस्था में तो वो तत्व मिलता है जो कम क्रियाशील हो वो मिल सकता है, पर ये तो बहुत ज़्यादा क्रियाशील हैं तो ये तो अन्य पदार्थों से क्रिया करके यौगिकों का क्या कर लेंगे, निर्माण। तो एक बात तो ये क्लियर कर लो, जैसे अपन कहें उत्कृष्ट धातु, आपको ध्यान होगा AuPT, वो धरती से डायरेक्ट निकलती हैं, वे यौगिक नहीं बनाती हैं क्योंकि वो कम क्रियाशील हैं। सोना डायरेक्ट धरती से निकलेगा, AU ही निकलेगा, उसका कोई यौगिक नहीं बनता है क्योंकि वो क्या है, कम क्रियाशील। और ये जो वर्ग 17 की ये अधातु हैं ये अत्यधिक क्रियाशील हैं तो ये मुक्त अवस्था में ना मिल करके अपने यौगिकों के रूप में मिलती हैं। ये बात क्लियर है, आगे सुनते चलो और समझते चलो या मैं। हाँ भाई इसमें आगे सुनो, इसमें कह रहा है एस्टेटिन के अतिरिक्त ये सभी बहुतायत में पाए जाते हैं, मतलब इनमें बात करें तो सभी हैलोजन है जो ये सब चारों बहुतायत में है, पर एस्टेटिन क्या है, कम मात्रा में, सही है। तो एस्टेटिन के अतिरिक्त सभी हैलोजन बहुतायत में पाए जाते हैं, यहाँ फ्लोरीन और क्लोरीन बहुत अधिक प्रचुरता में उपस्थित हैं, यहाँ का मतलब पृथ्वी पर। फ्लोरीन और क्लोरीन वैसी बात देखें तो ये चारों ही प्रचुरता में हैं, पर बहुत अधिक प्रचुरता में कौन है, फ्लोरीन और क्लोरीन। अच्छा अब आगे सुनो, फ्लोरीन का स्थान जो है 13वां तत्व है, ये फ्लोरीन उपलब्धता की दृष्टि से 13वां तत्व है, 13वां सर्वाधिक मिलने वाला तत्व, सही है का। और अगर हम क्लोरीन की बात करें तो ये 20वां सर्वाधिक मिलने वाला तत्व है, और 20वां नंबर भी बहुत बढ़िया नंबर है, ऐसा कोई ख़राब है नहीं। तो फ्लोरीन और क्लोरीन का स्थान याद रखें, उपलब्धता के आधार पर फ्लोरीन तो कौन से नंबर का तत्व है, 13वां, और क्लोरीन कौन से नंबर का है, 20वां। तो ये दोनों ही प्रचुरता से धरती में उपलब्ध हैं, धरती पर पाए जाते हैं। आगे सुनो, आगे कह रहा है फ्लोरीन की बात सुनो, फ्लोरीन एविले फ्लोराइडों के रूप में तथा थोड़ी मात्रा में नदी जल, दोबारा सुन लो, एविले फ्लोराइडों के रूप में, मतलब ये ऐसे फ्लोराइड बनाता है जो जल में सामान्यतः कैसे होते हैं, एविले, तो ये तो एविले फ्लोराइडों के रूप में मिलता है। ढंग से सुनना भाई, मुक्त अवस्था में तो मिलेगा नहीं, तो फ्लोरीन एविले फ्लोराइडों के रूप में, और ये नदी जल में, नदी के जल में अपने पीने वाले पानी में फ्लोराइड है या नहीं है, नदी जल में मिलता है, जीवों की हड्डियों और दांतों में उपस्थित होता है, ठीक है। तो ये नदी जल में, जीवों की हड्डियों में और दांतों में, और एविले फ्लोराइडों के रूप में मिलता है, ये तो किसकी बात हुई, फ्लोरीन की। फ्लोरीन के मुख्य खनिज लिखे हैं, फ्लोरीन के मुख्य खनिज हैं, एक तो ये CaF2, एक है Na3AlF6 जिसको क्रायोलाइट कहते हैं, ये आपने पढ़ा हो कभी, सही है। एक फ्लोरोएपेटाइट जिसका फॉर्मूला है 3Ca3PO4 का होल ट्वाइस डॉट CaF2, ये आया होगा कहीं पहले भी, ये फ्लोरोएपेटाइट है। ये सभी आप देख सकते हैं, ये फ्लोरीन के क्या हैं, खनिज, खनिज मतलब जमीन से निकलने वाले यौगिक, सही है। अयस्क तो धातुओं के होते हैं भाई, ये खनिज हैं, है ना, अयस्क तो धातुओं के होते हैं, धातु प्राप्त की जाती हैं, कभी अधातु प्राप्त नहीं की जाती हैं। तो ये खनिज हैं किसके, फ्लोरीन के। ये CaF2 है जिसको फ्लोरोस्पार कहते हैं, फ्लोरीन मतलब वो कह रहा है फ्लोरीन के खनिज निम्न हैं, ये कौन सा है, फ्लोरोस्पार, ये है क्रायोलाइट, और ये कौन है, फ्लोरोएपेटाइट, का नाम है आपको, फ्लोरोएपेटाइट। तो अब दोबारा तो एक बार दिमाग में याद करने की कोशिश करते हैं हमें क्या पढ़ा, पहले फ्लोरीन की बात कर रहे हैं अपन, फ्लोरीन उपलब्धता की दृष्टि से 13वां तत्व है, सही है का, कौन सा तत्व है, 13वां, ये एविले फ्लोराइडों के रूप में तथा नदी जल
जीवों की हड्डियों और दांतों में उपस्थित होता है, जीवों की हड्डियों और दांतों में। फिर बात कही मैंने फ्लोराइड, इसके फ्लोरीन के खनिज निम्न है और ये खनिज आपको याद रखने हैं। इसके बाद बात कर रहे हैं क्लोरीन की, आपको पता ही है इसका स्थान कौन सा है, 20वां। फिर कह रहा है समुद्री जल में, समुद्र के पानी में सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम के क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड उपस्थित होते हैं। मतलब समुद्री जल में NaCl भी मिलता है, KCl भी मिलता है, Ki भी मिलता है, KBr भी मिलता है, MgCl2 भी मिलता है, MgBr2 भी मिलता है, समझ रहे हैं? मतलब समुद्री जल में सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम आदि के क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो समुद्री जल में तो बहुत प्रकार के हैलोजन प्रेजेंट हैं। समुद्री जल में सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम के क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड उपस्थित होते हैं। आगे कह रहा है सोडियम क्लोराइड समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है इन हैलाइडों में, सबसे अधिक मात्रा में कौन सा, NaCl। आगे कह रहा है समुद्री निक्षेप, समुद्री निक्षेप का मतलब क्या है, जैसे समुद्र के मान लो कोई स्थान पर, सुनो रे, जैसे समुद्र के पानी की लहर चलती हैं और समुद्र का पानी यहाँ पर आया और वापस चला गया, तो यहाँ पर समुद्र का पानी रह जाता है, वो धीरे धीरे सूरज की गर्मी से वो जम जाता है, खार बोले ना जो होते अपन, वह खार है, अपन क्या बोल सकते हैं, समुद्री निक्षेप। और समुद्री निक्षेप में ये कह रहा है कि समुद्री निक्षेप में सोडियम क्लोराइड उपस्थित होता है, वो भाई ये नमक ही तो हुआ है हमें, समुद्री निक्षेप में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। आगे कह रहा है कुछ समुद्री जीवों में आयोडीन पाया जाता है, कुछ समुद्री जीवों में क्या भी मिलता है, आयोडीन। तो ये आगे कह रहा है समुद्री पादपों में लगभग 0.5% आयोडीन होता है। तो आयोडीन आप डायरेक्ट याद रखें, समुद्री जीवों में और समुद्री पादपों में पाया जाता है। अब पूरे टॉपिक है, एक बार सुन दोबारा से, जूते अम्प्रिया लिखेंगे पूरे ढंग से सुन। देखो वर्ग 17 में ये जो तत्व हैं इनमें एस्टेटीन को छोड़ करके सभी हैलोजन बहुतायत में पाए जाते हैं, बहुतायत में पाए जाते हैं। इनमें भी सर्वाधिक प्रचुरता में कौन मिलते हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन। दूसरी बात, वर्ग 17 के तत्व मुक्त अवस्था में नहीं मिलते हैं क्योंकि अत्यधिक क्या होते हैं, क्रियाशील, ये अपने यौगिकों के रूप में मिलते हैं। फ्लोरीन का बात करें तो उपलब्धता के स्थान, उपलब्धता की दृष्टि से ये कौन से स्थान का तत्व है, 13वां, और क्लोरीन 20वां। प्रचुरता में है फ्लोरीन 13वें नंबर का तत्व है। फ्लोरीन किसके रूप में मिलता है, फ्लोरीन एविले फ्लोराइडों और समुद्री, ध्यान है का तुम्हें, जीवों की हड्डियों में और दांतों में, सही है। इसके प्रमुख खनिज बताए थे, ये आपको याद रखने हैं, ये फ्लोरोस्पार है, ये क्रायोलाइट है, ये फ्लोरोएपेटाइट है, ठीक है। उसके बाद हम क्लोरीन की बात कर रहे थे, क्लोरीन याद रखना 20वें नंबर का तत्व है, सर्वाधिक पाए जाने वाला 20वें नंबर का तत्व है। क्लोरीन की अगर और बात करें तो समुद्री जल में तो मिलेगा ये NaCl के रूप में, समुद्री जल में सोडियम के पोटेशियम के मैग्नीशियम के ब्रोमाइड आयोडाइड क्लोराइड तीनों पाए जाते हैं। समुद्री निक्षेप में NaCl होता है और समुद्री जल में सर्वाधिक कौन सा होता है, NaCl, सबसे अधिक भी NaCl है समुद्री जल में और समुद्री निक्षेप में NaCl उपस्थित होता है। समुद्री जीवों में और समुद्री पादपों में आयोडीन होता है, इतना याद रख लो बस, लिखो इसमें। लिखो हैंडालो प्रकृति में उपलब्धता, प्रकृति में उपलब्धता, लिखो हैलोजन, हैलोजन बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, हैलोजन बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, अतः है ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, अतः है ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं,
मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। आगे लिखो, एस्टेटिन के अतिरिक्त ये बहुतायत में पाए जाते हैं। एस्टेटिन के अतिरिक्त ये बहुतायत में पाए जाते हैं जहाँ फ्लोरीन एवं क्लोरीन बहुत अधिक प्रचुरता में मिलते हैं। आगे लिखो, फ्लोरीन उपलब्धता की दृष्टि से 13वां तत्व है। उपलब्धता की दृष्टि से 13वां तत्व है जो मुख्यतया एविले फ्लोराइडों के रूप में तथा थोड़ी मात्रा में नदी जल, पादपों, जीवों की हड्डियों तथा दांतों में भी उपस्थित होता है। आगे लिखो, फ्लोरीन के मुख्य खनिज निम्न हैं। नंबर एक फ्लोरोस्पार, ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा होगा। नंबर एक फ्लोरोस्पार, सामने डैश करके फॉर्मूला लिख लो भले ही, CaF2। फ्लोरोस्पार फॉर्मूला क्या है? CaF2। अगला लिखो, क्रायोलाइट, ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है ये भी। क्रायोलाइट फॉर्मूला क्या है? Na3AlF6। और लिख लो अगला, फ्लोरोएपेटाइट फॉर्मूला ब्लैक बोर्ड पर है, तीन सी ए थ्री पी ओ फोर का होल ट्वाइस डॉट CaF2। लिख लिया, अब अगली लाइन पे आ जाओ। उपलब्धता की दृष्टि से क्लोरीन 20वां तत्व है। 20वां तत्व है। अगले को, समुद्री जल में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के क्लोराइड
के क्लोराइड, ब्रोमाइड तथा आयोडाइड, क्लोराइड ब्रोमाइड तथा आयोडाइड उपस्थित होते हैं परंतु सोडियम क्लोराइड सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है पाया जाता है। आगे लिखो, समुद्री निक्षेप में सोडियम क्लोराइड उपस्थित होता है। और लिख लियो, कुछ समुद्री जीवों एवं समुद्री पादपों में आयोडीन उपस्थित होता है। हाँ भाई, अब अगली हेडिंग डालो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देख इधर, एक बार में समझ लो। अरे ये वर्ग 17 के तत्व का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ये वर्ग 17 के तत्व हैं। जब वर्ग 17 के तत्व हैं, थोड़ा सा इधर, हाँ आवाज बंद कर ले पहले। देखो, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, हाँ भाई, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, सामने ध्यान और बोले नहीं, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, ये तत्व है वर्ग 17 में। आप आइडिया लगा सकते हो, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 सही है भाई। भाईतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा, NH2NP5। वर्ग 16 का क्या पढ़ा था, NH2NP4, और वर्ग 15 का NH2NP3, अर्धपूरित विन्यास था। अच्छा, तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत सरल, आसानी से याद रह जाएगा, NH2NP5। भाईतम कक्षा में कुल 7 इलेक्ट्रॉन, भाईतम कक्षा के S उपकोष में 2 और भाईतम कक्षा के P उपकोष में 5। क्लियर है? अच्छा, इसमें एक बात और लिख रहा है, इनका अष्टक पूर्ण होने हेतु एकमात्र इलेक्ट्रॉन की इन्हें आवश्यकता है। अगर इन्हें, इनकी भाईतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, अगर इनको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इनका अष्टक पूरा हो जाएगा। मतलब इनकी भाईतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8, सही है। तो अपना अष्टक पूर्ण करने हेतु इन्हें मात्र कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1। अब आगे सुने अपन, इसके बाद बात करते हैं इनकी परमाणविक त्रिज्या की। इन्हें ढंग से एक एक बार में ही समझते चलो, एक बार में लिख लेना। परमाणविक त्रिज्या की बात करें तो आपको ये तो पता ही है कि वर्ग में नीचे जाने पर कक्षाओं की संख्या बढ़ती है क्या। फ्लोरीन की भाईतम कक्षा कौन सी है, दूसरे आवर्त में है। आवर्त सारणी में जो भी तत्व जिस आवर्त में है वही उसकी भाईतम कक्षा होगी। जैसे फ्लोरीन दूसरे आवर्त में है तो इसकी भाईतम कक्षा दूसरी, और क्लोरीन की कौन सी है, तीसरी, ब्रोमीन की चौथी, आयोडीन की पांचवी। तो वर्ग में जब अपन ऊपर से नीचे जाते हैं, कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, और कक्षाओं की संख्या बढ़ती है तो परमाण्विक त्रिज्या में क्या होती है, वृद्धि। तो सबसे छोटा आकार फ्लोरीन को होगा, और जैसे जैसे अपन नीचे की ओर बढ़ेंगे परमाण्विक आकार में क्या होती है, वृद्धि।
अब इसमें सुनो, इसमें क्या लिख रखा है, अपने आप आवर्त में अधिकतम प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण हेलोजन की परमाण्विक त्रिज्या न्यूनतम होती है। ये बात आवर्त की करी। अगर अपन आवर्त में जाएं, जैसे अपन इसी आवर्त में जाएं फ्लोरीन वाले में, ढंग से सुनना और ढंग से समझना, मैं लिथियम से चालू करूँगा, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्स, सही है। आवर्त में आपको पता ही है ये दूसरा आवर्त है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर दादागिरी किसकी चलती है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्रम से क्या होती है, वृद्धि। और प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का क्या होता है, आकर्षण बल। समझ के पढ़ेगा तो क्वेश्चन सही कर सकता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर एक तरह से नाभिक का आकर्षण, ये प्रभावी नाभिकीय आवेश है। और अब आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो आवर्त में किसकी दादागिरी चलती है, प्रभावी नाभिक। बाएं से दाएं जाते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो परमाण्विक त्रिज्या बढ़ेगी कि घटेगी, घटेगी। तो वो यही कह रहा है कि जो हेलोजन है इनकी परमाण्विक त्रिज्या प्रबल प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण क्या है, अपने आवर्त में सबसे कम है। सबसे कमी तो आएगी आवर्त में, देखेगा तो आएगी सबसे कम। जैसे क्लोरीन की देखें तो या के आवर्त में या कि सबसे कम आएगी। सबसे कम क्यों आ रही है, क्योंकि इनमें प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है, उच्च है। अपने आवर्त में देखें तो इनमें प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ते 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 सर्वाधिक हो गया, तो इनका आकार क्या होगा, सबसे छोटा। तो इसने पहली लाइन यही बोली है, एक बार और सुन ले, अपने अपने आवर्त में अधिकतम प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण हेलोजनों की परमाण्विक त्रिज्या न्यूनतम होती है। सही है, का सबसे कम होती है। अच्छा, और वो क्रम तो आपको पता ही है, फ्लोरीन से आप नीचे की ओर जाओगे, परमाण्विक त्रिज्या में क्या होगी, वृद्धि। अगला है आयनन एंथैल्पी, बिल्कुल मत बोले, आयनन ऊर्जा। देखो अपन ने पहले भी पढ़ा है, कोई परमाणु है उसकी बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा। अच्छा, फ्लोरीन में बाह्यतम कक्षा कौन सी है, दूसरी। अगर फ्लोरीन से मैं इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ तो मुझे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि फ्लोरीन में से जब तुम इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो दूसरी कक्षा में से निकालोगे जो नाभिक के नज़दीक है, मतलब दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल अधिक है। अगर आप दूसरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो आपको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, मतलब फ्लोरीन की आयनन ऊर्जा क्या आएगी, उच्च। और आप नीचे जाओ, आयोडीन पर जाओ, आयोडीन में बाह्यतम कक्षा पाँचवीं है, इलेक्ट्रॉन पाँचवीं कक्षा से निकालोगे जिस पर नाभिक का आकर्षण बल क्या है, दुर्बल है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो आपको पता ही है वर्ग में नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा के मान में क्या आती है, कमी। इसका कारण दे सकते हैं परमाण्विक आकार बढ़ने के कारण, जैसे जैसे आकार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलता चला जाता है। अच्छा, इसमें क्या है और सुन लें, बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, आयनन ऊर्जा में बोल रहा हूँ, इतना तो पता ही है, बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, अर्थात अष्टक पूर्ण हेतु एकमात्र इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अतः इनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है। बात तो सही है, ये अपन आयनन ऊर्जा कर रहे हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं का, तो ये कह रहा है कि इनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है, इसके कारण इनकी आयनन एंथैल्पी बहुत उच्च होती है, परंतु वर्ग में नीचे जाने पर परमाण्विक आकार बढ़ने से आयनन ऊर्जा के मान में क्या आती है, कमी। तो इसने ये भी कहा है कि इनकी आयनन ऊर्जा अत्यधिक उच्च है, उसका कारण क्या है, क्योंकि आपको पता है ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उत्कृष्ट गैस जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण नहीं रखते। अगर आप इनसे इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो आपको अत्यधिक ऊर्जा की क्या होगी, आवश्यकता। तो इन तीनों ने लिख लो पहले, हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लगाओ वर्ग 17 के तत्वों का, वर्ग 17 के तत्वों का, वर्ग 17 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP5 होता है,
सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5 होता है, अर्थात इनकी बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में दो इलेक्ट्रॉन तथा इनकी बाह्यतम कक्षा के पी उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। आगे लिखो, इन्हें अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए मात्र एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है नंबर 2 डालो या अगली हेडिंग डालो, परमाणविक त्रिज्या लिखो इसमें, अपने अपने आवर्त में अधिकतम प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण हेलोजनों की परमाणविक त्रिज्या न्यूनतम होती है, मतलब अपने आवर्त में सबसे छोटी हो गए जैसे फ्लोरीन परमाणु अपने आवर्त में सबसे छोटा है, आगे लिखो, वर्ग में फ्लोरीन से आयोडीन तक कोषों की संख्या में वृद्धि होने से परमाणविक त्रिज्या में वृद्धि होती है। और अगला डाल लो आयनन ऊर्जा, लिखो सात इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, अर्थात अष्टक पूर्णता हेतु एकमात्र इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अतः इनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति
इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। इस कारण इनकी आयनन ऊर्जा इनकी आयनन ऊर्जा बहुत उच्च होती है। आगे लिखो, वर्ग में नीचे जाने पर परमाणविक आकार में वृद्धि होने से ठीक है, वृद्धि होने से आयनन ऊर्जा के मान में कमी आती है। आयनन ऊर्जा के मान में कमी आती है। अगले हेडिंग, इलेक्ट्रॉन बंधुता। यह समझो है, खा जाओगे। अब थोड़ी देर की बात है यार, दो मिनट। अरे अब बंद कर, आवाज़ बंद कर। देखो लास्ट में, हाँ, इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़ाने वाला था। देख इधर समझ ले। अरे अब चुप हो जाता हूँ फिर। हाँ ध्यान दे इधर, अगर हम बात करें इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता आपको पता ही है, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर मुक्त ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन घन एन्थैल्पी की नहीं। कोई परमाणु है, उससे इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो जो ऊर्जा मुक्त होगी वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन बंधुता। आपको पता ही है इनकी बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही ये उत्कृष्ट गैस जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेंगे। उत्कृष्ट गैसों का स्थायी विन्यास होता है NH2NP6, या कह दूं एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते इनका अष्टक पूरा हो जाएगा और ये अधिक क्या हो जाएंगे? स्थायी। तो सीधी सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से ग्रहण करेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही ये उत्कृष्ट गैस जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त कर रहे हैं का। तो बात है, समझ ले क्लियर कि भाई इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NH2NP5 और ये एक इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर उत्कृष्ट गैस जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होगी। अरे ये एक इलेक्ट्रॉन जब बहुत ही आसानी से ग्रहण करेंगे तो मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या आएगी? ज़्यादा। तो पहली बात तो ये आई कि इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अत्यधिक उच्च होती है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर उत्कृष्ट गैस जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त कर ले, तो ये एक इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से ग्रहण करते हैं। जब ये एक इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से ग्रहण करेंगे तो मुक्त ऊर्जा अत्यधिक उच्च आएगी, जिससे इनके इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उच्च प्राप्त होता है। अच्छा, आप सोचें अगर फ्लोरीन में बाह्यतम कक्षा दूसरी है, क्लोरीन में तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, अगर फ्लोरीन में आप एक इलेक्ट्रॉन जोड़ो तो वो दूसरी कक्षा में जाएगा जो नाभिक के नज़दीक है,
अर्थात इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में जाएगा जो नाभिक के नज़दीक है, उस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल उच्च होगा। तो हमारे हिसाब से तो यह है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में जा रहा है, उस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल क्या होगा? अधिक। अरे दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा हो जो नाभिक के नज़दीक है, तो भाई इलेक्ट्रॉन पर नाभिक को आकर्षण बल लगेगा ना। तो फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक आसानी से जुड़ना चाहिए, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या आना चाहिए? सबसे अधिक। और सबसे कम किसका होना चाहिए? आयोडीन या एस्टेटीन। एस्टेटीन तो रेडियोधर्मी है इसलिए छोड़ देते हैं। तो सबसे कम किसकी आनी चाहिए? आयोडीन की। सही है का? आयोडीन में इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में जुड़ेगा? पाँचवीं, जो नाभिक से दूर है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जुड़ेगा, मुक्त ऊर्जा कम आएगी। पर वही गड़बड़ जो वर्ग नंबर 16 में थी, यहाँ थी का ऑक्सीजन और सल्फर में, इसमें भी वही गड़बड़ है। यहाँ पर फ्लोरीन और क्लोरीन, ध्यान हो तो वहाँ पर भी यही गड़बड़ थी। सल्फर आगे था, फिर उसके बाद क्या था? ऑक्सीजन। इसमें भी वही गड़बड़ है। फ्लोरीन का आपको पता ही, अपने आवर्त में उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण इसका आकार बहुत ही छोटा, न्यूनतम है। फ्लोरीन बहुत ही छोटे आकार का होता है और क्लोरीन का आकार फ्लोरीन से क्या होता है? बड़ा। बाह्यतम कक्षा में दोनों के में एक-एक इलेक्ट्रॉन है, 7। तो आपको पता ही है दोनों के बाह्यतम कक्षा में जब 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर तो दूर दूर होंगे, क्योंकि क्लोरीन का आकार बड़ा है। क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा तीसरी है, कक्षा बड़ी है, 7 इलेक्ट्रॉन आसानी से रह रहे होंगे। फ्लोरीन का छोटा आकार है, उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व है, जब इससे इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जुड़ेगा। उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व है ना, यहाँ पे छोटा आकार, इलेक्ट्रॉन की मात्रा 7, तो छोटी सी जगह में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व का है यहाँ पे ज़्यादा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जुड़ेगा। तो इसकी मुक्त ऊर्जा अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से क्या आएगी? कम। जैसे वहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फर में, सल्फर से ऑक्सीजन की क्या आती थी? कम। सही है, वही बात है। अगर इलेक्ट्रॉन घन एन्थैल्पी कहूँ, तो यहाँ क्लोरीन से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन घन एन्थैल्पी कम ऋणात्मक आएगी। कम आएगी तो कम ऋणात्मक आएगी। अरे कम है तो कम ऋणात्मक है। चलो वो आप पूछ ले भूल गए होंगे, पर यह बात तो समझ गए होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या आएगा? कम आएगा। क्लियर है? तो मैंने दो ही बात तो कही है, हमें ज़्यादा तो कोई समझाया नहीं है। पहले तो ये कही है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये उत्कृष्ट गैस जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, इस वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है? उच्च होता है। और दूसरी बात मैंने यही कही है, एक ये वाली, क्लोरीन से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? कम, क्योंकि फ्लोरीन का छोटा आकार और उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, अतः यह इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण नहीं करता है। इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की तुलना में क्या होती है? कम। सही है का? और ऐसा कि ऐसा ही क्रम हमने वर्ग नंबर कहाँ भी देखा था? 16 में। तो लिख लो इस बात को। चलो अच्छा एक मिनट, जैसे मौका मिले ना समझेगा जब चुप रहेगा, पर जैसे लिखने की बात कहूँ कि लिखेंगे तो बात चालू, या फिर लिख रहा होगा तब भी चुप रहेगा, और जैसे फिर कहूँगा ना आप समझेंगे तो बात चालू, मतलब बीच में का सिस्टम चालू हो जाए। अब या कि सुन, अरे या मैं किताब में या इलेक्ट्रॉन बंधुता वाले टॉपिक में क्या कह रहा है इसकी भी सुन लेना। एक इसमें कह रहा है अपने अपने आवर्त में हैलोजनों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सर्वाधिक होता है। होगी वही बात, भाई तक मतलब 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण करेगा। आगे कह रहा है इसका कारण है कि इस वर्ग के सभी तत्वों का उत्कृष्ट गैस जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए मात्र एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है। तो वही बात कह रहा हूँ मैं भी, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उत्कृष्ट गैस जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। आगे सुनो, अरे बात मत करे, जो सुन रहे हो वह जो पढ़ रहे हो वह पढ़ दे। आगे कह रहा है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की तुलना में कम होती है। ब्लैकबोर्ड पर लिख रहा होगा देखो, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की तुलना में कम होती है, अर्थात क्लोरीन ही सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता प्रदर्शित करने वाला तत्व है। इनमें सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी है? क्लोरीन की। फिर कह रहा है यह फ्लोरीन के छोटे आकार के कारण है,
जैसे किसके कारण है, छोटे अगर जिससे अब छोड़ो बाकी तो मैं लिखा दूंगा, छोटे आकार के कारण है, इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च है, लिख लिया मैं, लिखो लिखो वर्ग 17 के तत्वों की, वर्ग 17 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, वर्ग 17 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर उत्कृष्ट गैस के समान स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर उत्कृष्ट गैस के समान स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है आगे लिखो। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन Cl से कम होती है क्योंकि क्योंकि फ्लोरीन का आकार छोटा, फ्लोरीन का आकार छोटा व इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है, अतः यह एक इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण नहीं करता है, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण नहीं करता है, अगले डालो विद्युत ऋणता। देखो रे यार, तो तुम बहुत आसानी से, तुम्हें पता भी है फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है का, आवर्त में, ओए अपने आवर्त में हैलोजनों की विद्युत ऋणता क्या होती है, सर्वाधिक। जैसे फ्लोरीन आवर्त संख्या कौन से में है, दूसरे में, तो पूरे दूसरे आवर्त में सबसे अधिक विद्युत ऋणता कौन की है, फ्लोरीन की। अपने आवर्त में हैलोजनों की विद्युत ऋणता क्या होती है, सर्वाधिक। और वर्ग में नीचे जाते हो आप, खूब पता है विद्युत ऋणता के मान में क्या आती है, कमी, और फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है। लिख लो यह बात, लिख लो अपने आवर्त में, अपने आवर्त में हैलोजनों की विद्युत ऋणता, अपने आवर्त में हैलोजनों की विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है, अपने आवर्त में हैलोजनों की विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है। आगे लिखो, वर्ग में नीचे जाने पर, वर्ग में नीचे जाने पर विद्युत ऋणता के मान में कमी आती है, ठीक है कहाँ तक लिख लिया, कमी आती है, एक लाइन और लिख लियो, फ्लोरीन आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है, फ्लोरीन आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है, सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है, विद्युत ऋणी तत्व है, लिख लिया। अगले एंड डालो अब भौतिक गुण, हाँ भाई अब एक एक या में भौतिक गुण में एक एक शब्द है, बहुत ही ढंग से सुनना, जब समझ में आएगा ये देखो, एक एक शब्द है ये तो समझ में आ गया, ये तो तुमने पहले भी पढ़ रखे हैं कई बार, ये विद्युत ऋणता और ये तो सरल है, पर ये भौतिक गुण है, बहुत ही ढंग से सुनना।
देखो शुरू में कह रहा है फ्लोरीन और क्लोरीन गैस हैं, सुना होगा क्लोरीन गैस फ्लोरीन गैस ये तो सुनी होंगी, और ब्रोमीन जो होती है ये क्या होती है द्रव, और आयोडीन क्या होती है ठोस। सबन की परमाणुता दो है, जैसे मैं बात करूं फ्लोरीन गैस तो फ्लोरीन गैस F2 अणुओं से बनी होती है, मैं क्लोरीन गैस की बात करूं तो क्लोरीन गैस Cl2 अणुओं से बनी होती है, मैं ब्रोमीन की बात करूं तो ब्रोमीन द्रव होता है वो Br2 अणुओं से बना होता है, और आयोडीन की बात करें तो वो क्या होता है ठोस और I2 अणुओं से। तो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन चारों की बात कर रहे हैं, तो फ्लोरीन और क्लोरीन तो कौन है गैस हैं, बनी तो किन अणुओं से होंगी ये तो समझ गए होंगे आप, और ब्रोमीन क्या होती है द्रव और आयोडीन क्या होती है ठोस, इनके अणुभार से समझ सकते हैं। आपको पता ही है गलनांक क्वथनांक समानुपाती अणुभार, I2 अणु सबसे भारी होगा उसका अणुभार सबसे अधिक होगा तो I2 अणुओं के बीच में वैन डेर वाल बंध प्रबल बनेंगे, क्वथनांक अधिक होगा गलनांक अधिक होगा इसी वजह से तो I2 आयोडीन कौन है ठोस है भाई, आयोडीन अणु I2 अणु सबसे भारी अणु है, इसका परमाणु भार सर्वाधिक है, अणुभार सर्वाधिक है I2 अणु का, और अणुभार जब सबसे अधिक होगा तो गलनांक क्वथनांक अधिक होंगे, गलनांक क्वथनांक अधिक होंगे जिसके वो क्या होगा ठोस होगा, सही है ही बात। तो यह में तो कोई कठिन बात है नहीं, यह क्लियर कर लेना, कभी पूछ लेता है ऐसा पूछ ले मान ले कि फ्लोरीन क्लोरीन जो हैं ये तो गैस हैं जबकि ब्रोमीन द्रव और आयोडीन क्या होती है ठोस, तो आप समझा सकते हो इसकी परमाणुकता से समझा सकते हो कि इन सभी की परमाणुकता कितनी होती है दो, फ्लोरीन की क्लोरीन की सबकी परमाणुकता क्या होती है दो, परंतु I2 अणु जो होते हैं इनका अणुभार उच्च होने के कारण आयोडीन के गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, इस वजह से आयोडीन क्या है ठोस है, सबके बारे में ये बात समझा सकते हैं आप दिमाग से लिखेंगे तो। आगे सुनो, आगे कह रहा है सभी हैलोजन रंगीन होते हैं, रंगीन का मतलब समझ गया कलर युक्त, अब सुन ले मेरी बात ने बातन मतलब है तेरे में, सभी हैलोजन रंगीन होते हैं क्योंकि इनके एकाकी युग्म, एकाकी युग्म का मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश के अवशोषण से उच्च ऊर्जा स्तरों में उत्तेजित हो जाते हैं और पुनः अवशोषित प्रकाश का उत्सर्जन कर, जाने कितनी कठिन बात कही है, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, आपको पता ही है कि फ्लोरीन है, जैसे फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल भाईतम कक्षा में 7, सही है, तो ये क्या कहना चाहता है कि जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन हैं वे इलेक्ट्रॉन सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण कर उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं, सूर्य के प्रकाश की किसी विशेष रंग की ऊर्जा ग्रहण कर कहाँ चले जाते हैं उच्च ऊर्जा, जब वे वापस अपने पूर्व कक्षा में आते हैं तो अवशोषित ऊर्जा का क्या करते हैं उत्सर्जन, और वह उत्सर्जित ऊर्जा जिस रंग की होगी उस रंग, छोड़ो सीधे से याद रखो कि ये कैसे होते हैं रंगीन, जैसे देखो क्लोरीन की बात करें क्लोरीन रंगीन है येलो ग्रीन, ऐसे याद रख ले वाले रखना चाहे तो, क्लोरीन का रंग कैसा है येलो ग्रीन, येलो ग्रीन का मतलब है पीले हरे रंग की गैस है कौन क्लोरीन। अच्छा इसमें आगे रंग लिख रहे हैं, देखो सुनो ये कह रहा है कि फ्लोरीन तो पीले रंग का होता है, तो ये फ्लोरीन बोल रहा है जब तू समझ जाए फ्लोरीन गैस की बात कर रहा है, फ्लोरीन कैसे रंग का है पीला, क्लोरीन हरित पीला, आवाज कही मैंने येलो ग्रीन, क्लोरीन येलो ग्रीन, येलो ग्रीन का मतलब क्या होता है पीला हरा ही तो होता है। आगे कह रहा है ब्रोमीन लाल एवं आयोडीन बैंगनी रंग का है, चारों के रंग, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जो हैलोजन है वो कैसे होते हैं रंगीन, चारों के रंग आपको याद रखने हैं, फ्लोरीन का रंग कौन सा बताया मैंने पीला, क्लोरीन का येलो ग्रीन हो गया, ब्रोमीन का कैसा बताया और आयोडीन कैसे रंग का है बैंगनी। अच्छा अगली बात सुनो, फ्लोरीन व क्लोरीन जल में पूर्ण विलय है, मतलब फ्लोरीन और क्लोरीन को आप जल में घोलोगे ये दोनों गैस हैं पर ये जल में पूर्णतया कैसी होती हैं विलय, ब्रोमीन और आयोडीन जल में अल्प विलय होते हैं। आगे कह रहा है ये कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलय हैं, मतलब फ्लोरीन क्लोरीन तो आगे रिएक्शन आएंगे इनकी, फ्लोरीन और क्लोरीन तो जल में कैसी हैं पूर्ण विलय,
और ब्रोमीन और आयोडीन जल में कैसे हैं अल्पविलेय। तो यहाँ तक लिख लो फिर आगे देखेंगे। बहुत तेज गुण डालो, लिखो हमें फ्लोरीन तथा क्लोरीन गैसें हैं, फ्लोरीन तथा क्लोरीन गैसें हैं कौमा ब्रोमीन एक द्रव है तथा आयोडीन ठोस है आगे लिखो सभी हेलोजन रंगीन होते हैं, रंगीन कलर युक्त। आगे लिखो फ्लोरीन पीला कौमा क्लोरीन हरित पीला ब्रोमीन लाल एवं आयोडीन बैंगनी रंग का दिखाई देता है। आगे लिखो फ्लोरीन व क्लोरीन जल में पूर्ण विलेय हैं जबकि ब्रोमीन एवं आयोडीन जल में अल्प विलेय हैं। आगे लिखो ये कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय हैं। ठीक है, आगे देखना, ये जल से अभिक्रिया करते हैं और जो जल से अभिक्रिया करता है वो जल में क्या होता है, विलेय, वो आगे देखेगा तू। अरे अब इधर देख, इधर छोरा सामने बात मत करे। अब देखो एक बंद वियोजन ऊर्जा का क्रम ये काम आने वाला है। सामने ध्यान, अगर हम बंद वियोजन ऊर्जा का क्रम देखें अरे तुम पिटनो चाह रहे का चक्कर है। देखो इधर ना वेगो चुप, हाँ भाई ये क्रम तो आपको सही दिख रहा होगा। देखो यार समझ लो पहले, यह बंद वियोजन ऊर्जा क्रम इम्पोर्टेंट है यहाँ। अगर बंद वियोजन ऊर्जा की बात करें तो आपको पता ही आयोडीन I2 दोनों का आकार बड़ा है तो बंद लंबाई सबसे अधिक होगी, तो इसकी बंद वियोजन ऊर्जा क्या है, सबसे कम। तो सबसे अधिक बंद वियोजन ऊर्जा किसकी होनी चाहिए, F2 की।
छोटा आकार का है, पर इसमें यही इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। देखो अगर अपन कंसेप्ट लगाएं तो फ्लोरीन परमाणु का आकार छोटा है, और फ्लोरीन परमाणु का आकार छोटा होने के कारण इसमें बंध सबसे छोटा होगा। जब इसमें बंध सबसे छोटा है तो इसमें सबसे प्रबल बंध होना चाहिए, तो F2 की बंध वियोजन ऊर्जा तो Cl2 से भी क्या होनी चाहिए, अधिक। भाई फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सभी इनसे बने होते हैं, F2 Cl2 Br2 और I2 अणुओं से, तो सबसे अधिक बंध वियोजन ऊर्जा तो F2 की होनी चाहिए, इस वजह से ये क्रम इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ ऐसा क्या हो गया कि F2 की बंध वियोजन ऊर्जा Cl2 से कम है, जबकि हमें लग तो ये रहा है कि फ्लोरीन परमाणुओं का आकार छोटा है, बंध लंबाई कम आएगी, और बंध लंबाई जितनी कम आती है बंध उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो सबसे प्रबल बंध F2 में होना चाहिए, सबसे अधिक बंध वियोजन ऊर्जा F2 की होनी चाहिए। इसका कारण सुन लो, अब यहाँ फ्लोरीन परमाणु का आकार छोटा है, बाह्यतम कक्षा में 7-7 इलेक्ट्रॉन है, समझ गया कि बंध दुर्बल क्यों है। देखो फ्लोरीन परमाणुओं का आकार छोटा है और 7 इलेक्ट्रॉन है दोनों की बाह्यतम कक्षा में, हालांकि दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन बंध बनाए हुए हैं, पर बाह्यतम कक्षा में क्या क्या इलेक्ट्रॉन है, 7-7, तो आपस में दोनों के इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण उच्च है। आकार छोटा और बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, तो अंतरा इलेक्ट्रॉनीय प्रतिकर्षण, मतलब दोनों के इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण क्या है, ज़्यादा। जब प्रतिकर्षण ज़्यादा है तो F2 बंध आसानी से टूट जाएगा ना, चाहे बंध छोटा है पर इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण की वजह से आपस में दोनों, अरे दोनों का आकार छोटा और बाह्यतम कक्षा में 7-7 इलेक्ट्रॉन, तो अंतरा इलेक्ट्रॉनीय प्रतिकर्षण उच्च होने के कारण F2 बंध Cl2 बंध की तुलना में कैसा होता है, दुर्बल। सही है, तो पहले इस क्रम को लिखो, फिर नीचे कारण लिखेंगे। इसमें बंध वियोजन ऊर्जा का क्रम, बंध वियोजन ऊर्जा का क्रम लिख लिया, पहले इस क्रम को लिख लो। अब नीचे लिखो, लिखो F2 की बंध वियोजन ऊर्जा Cl2 की तुलना में कम होती है, F2 की बंध वियोजन ऊर्जा Cl2 की तुलना में कम होती है, F2 की बंध वियोजन ऊर्जा Cl2 की तुलना में क्या होती है, कम। आगे लिखो, क्योंकि क्योंकि F2 अणु में दोनों फ्लोरीन परमाणुओं के छोटे आकार व उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व के कारण उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व के कारण अंतरा इलेक्ट्रॉनीय प्रतिकर्षण, मतलब आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण, अंतरा इलेक्ट्रॉनीय प्रतिकर्षण उच्च होता है, फलस्वरूप अंतरा इलेक्ट्रॉनीय प्रतिकर्षण उच्च होता है, फलस्वरूप F2 बंध आसानी से वियोजित हो जाता है, F2 बंध आसानी से वियोजित हो जाता है। अगले एंड डालो, ऑक्सीकरण अवस्था, हाँ भाई एक बात यहाँ ढंग से नेक्स्ट समझ ले, आराम समझ में आ जाएगी। एक बार बताओ,
अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लें तो उत्कृष्ट गैस जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त कर लें क्या? तो ये मुख्य रूप से कौन सी ऑक्सीजन अवस्था दर्शाएंगी? माइनस एक। अरे एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास प्राप्त हो जाएगा ना, तो ये मुख्य रूप से माइनस एक। आपने देखा होगा एफ माइनस वन, अपन कहते हुए आए वर्ग 17 के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था सामान्यतया कितनी होती है? माइनस एक। तो यह लाइन लिखो, लगाओ उत्कृष्ट गैसों से मात्र एक इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण, उत्कृष्ट गैसों से मात्र एक इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण सभी हेलोजन मुख्य रूप से माइनस एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं आगे लिखो हेलोजन ओ सॉरी आगे लिखो फ्लोरीन हमेशा माइनस एक ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाता है। परंतु क्लोरीन ब्रोमीन एवं आयोडीन रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण +1, +3, +5 एवं +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं। +1, +3, +5, +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं। इधर देखो, अब यह समझ लो, पहले ही लिख तो लियो अपन ने, बोले नहीं एक भी। देखो यार फ्लोरीन है, देखो फ्लोरीन में भायतम छोरा आवानियंची है, फ्लोरीन में भायतम कक्षा कौन सी है? दूसरी। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, ढंग से देख, अगर भायतम कक्षा दूसरी है तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा आएगा 2s2 2p5 ना आएगा। भायतम कक्षा के s उपकोष में 2 और भायतम कक्षा के p उपकोष में 5। s उपकोष में एक ही कक्षक होता है, समझ लें इन सब चीज़न में, अर्जिगत क्वेश्चन आम है इनमें थे, सही है। s उपकोष में एक ही कक्षक और p उपकोष में कितने कक्षक? 3। ये बात फ्लोरीन की चल रही है, सही है। अच्छा, यहाँ में क्या एक इलेक्ट्रॉन भरेगा? 2। और यहाँ में कितने भरेगा? 5। अब एक बात बता, फ्लोरीन के पास आगे रिक्त डी कक्षक है क्या? नहीं है। आगे आपको खूब पता है कि इसके पास खाली डी कक्षक नहीं है, क्योंकि इसकी भायतम कक्षा कौन सी है? दूसरी। अच्छा, फ्लोरीन उच्च विद्युत ऋणी तत्व है, तो ये सामान्यतया एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण रखेगा, तो फ्लोरीन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा? माइनस। चलो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता है तो फ्लोरीन एक ही बंद बनाएगा, क्योंकि ये कक्षक तो इसके पूर्ण पूरित हैं। अगर इसको सहसूचक बंद बनाना है तो वो कितना सहसूचक बंद बनाएगा? 1। मान लो इसने हाइड्रोजन के संग सहसूचक बंद बना लिया, अब हाइड्रोजन के संग फ्लोरीन ने सहसूचक बंद बना लिया, अब भी तो फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था माइनस एक ही आएगी। दो भिन्न परमाणु एक सहसूचक बंद से जुड़ रहे हों तो उच्च विद्युत ऋणी की कितनी आती है? माइनस एक। तो फ्लोरीन की तो माइनस एक ही आना है, उच्च विद्युत ऋणी है, चाहे कोई का संग बंद बना ले तब भी माइनस एक आएगी, चाहे किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तब भी कितनी आएगी? माइनस एक। ये अधातु हैं, सही है।
अच्छा, अब अगर बात करें अपन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, उनके पास तो ये रिक्त डी कक्षक है भाई, उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो NH2NP5 होगा, पर उनके पास आगे ये तो खाली कक्षक हैं कि ना है। अच्छा, अब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को त्याग भी तो सकता है। पलड़का कहता है साहब ये अधातु है, त्यागेगा नहीं। आपने शुरू में कहा है कि इनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती, चल मैं इनके इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागा, पर मान ले क्लोरीन के संग फ्लोरीन बंध बना ले, तो ऐसी स्थिति में सोच फ्लोरीन के विद्युत ऋणता अधिक होने से इसकी -1 आएगी और यह कितनी आएगी +1, बंद तो यही में बनाएगा ना फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की अब ब्रोमीन की कितनी हो सकती है, क्लोरीन की कितनी हो सकती है +1, क्योंकि क्लोरीन के सामने अगर फ्लोरीन आ गया तो ऐसी स्थिति में क्लोरीन के संग फ्लोरीन बंद बनाएगा तो उसकी कितनी हो जाएगी +1। अगर क्लोरीन से उच्च विद्युत ऋणी आ गया सामने तो ऐसी स्थिति में +1 दर्शाएगा। अच्छा, फिर बात आई कि +1 तो ये दर्शा सकते हैं, फ्लोरीन तो दर्शाएगा नहीं, उससे कोई उच्च विद्युत ऋणी है नहीं, वो तो -1 दर्शाएगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन +1 दर्शा सकते हैं अगर इनके सामने उच्च विद्युत ऋणी आ गया तो। अच्छा, अगर इसका यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाए, खाली कक्षक है, तो अब ये 3 बंद बना सकते हैं उच्च विद्युत ऋणी से। जैसे मैं बात करूँ क्लोरीन की, तो क्लोरीन Cl3 बना सकता है, अब कितनी आएगी आकी +3, 3 इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो गए। अब ऐसे तो ये +5 भी तो दर्शा सकता है और फिर +7 भी दर्शा सकता है, तो ये बीच की गायब है। +1 के बाद डायरेक्ट कितनी आ रही है +3, +3 के बाद +5 और +5 के बाद +7, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है, तो 1 के बाद डायरेक्ट होगा तो कितना होगा 3, तो 3 बंद बनाएगा या 1 बंद बनाएगा, खै 5 बंद बनाएगा, खै कितना बनाएगा 7, तो ये +1 से कहाँ तक +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था शो कर सक, पर किन के संग करेंगे, बात यह आई अपने से अधिक विद्युत ऋणी के साथ। बात न मतलब है, देखो हेलोजन है सामान्यतः तो -1 दर्शाते हैं, पर अगर +1 +3 +5 +7 दर्शानी है तो अपने से उच्च विद्युत ऋणी के संग दर्शाएंगे, सही है का, इनसे ज़्यादा विद्युत ऋणी आ गया तो वहाँ पर ये +1 +3 +5 और कितनी भी दर्शा सकते हैं +7। जैसे आपने IF7 सुना होगा, IF7 में आयोडीन के कितनी हो सकती है +7, तो एक लाइन और लिख लो, लगा क्लोरीन ब्रोमीन तथा आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन तथा आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन तथा आयोडीन उच्च विद्युत ऋणी परमाणुओं के साथ अपनी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, उच्च विद्युत ऋणी परमाणुओं के साथ अपनी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो अपनी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं किन के साथ दर्शाएंगे, उच्च विद्युत ऋणी तत्वों के साथ, ठीक है, पढ़ो मत होइयो एक भी। बंद